स्वागत करते हैं तालियों के साथ मिस्टर नंद किशोर चौधरी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। हम जानते हैं कि मिस्टर नंद किशोर जी सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, जयपुर रग्स के ओनर हैं, लेकिन इनको जयपुर रग्स से ज़्यादा इस चीज़ के लिए जाना जाता है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में इन्होंने एक लाइफ लॉन्ग केस स्टडी तैयार करी है, जहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे जाके करीब करीब 600 गाँवों में विमेन को एम्प्लॉयमेंट दिया है। वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना ये इम्पॉर्टेंट है कि एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ उन्होंने उन्हें एम्पावरमेंट दिया है। तो करीब करीब 40,000 लोग जुड़े हुए हैं जयपुर रग्स से। वो लोग गाँव में अपने घरों में बैठ के रग्स बनाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि उस जर्नी के बारे में आज आपसे बात करें। बिल्कुल जी बिल्कुल। और हमें सिर्फ ये जानना है कि हम लोग अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं, दिन रात काम में लगे रहते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो जो सोशल साइड हमारी लाइफ की है वो इतनी एक्सप्लोर्ड नहीं है जितनी हमें करनी चाहिए, क्योंकि हमारा काम वैसा ही है। तो हम कोशिश करते हैं कि आज हमको थोड़ा आपसे इनसाइट्स मिलेंगे उस डायरेक्शन में। ज़रूर बताइए। चलिए, तो मैं आपकी बुक पढ़ रहा था। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता हो तो एक कॉमिक स्टाइल में इनकी लाइफ को कैप्चर किया गया है। करीब करीब 50 पेजेस की बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। तो मैं आपकी बुक पढ़ रहा था। अच्छा। तो उस बुक में पढ़ते पढ़ते मेरे सामने एक इंसिडेंट का मेंशन था। एक बार आपको बहुत ही एक पॉलिटिकली पावरफुल कॉन्ट्रैक्टर आपके ऑफिस में बंदूक लेके आया। हाँ जी हाँ जी। जब आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ तो वो मोमेंट कैसा था? देखिए, एक बार क्या, मैं अपने गुजरात ऑफिस में बैठा था। उस एरिया में मैं 8 साल रहा और करीब 15,000 ट्राइबल लोगों को मैंने 8 साल में काम सिखाया। तो मैं उस ट्राइबल एरिया में ही रहता था। तो ऑफिस में था, वो भी एक तरह से मतलब डीप फॉरेस्ट था वो पूरा ही। तो वहाँ के एक बहुत ही पॉलिटिकली पावरफुल कॉन्ट्रैक्टर थे जो कारपेट का काम करते थे। वहाँ के जो उनके खास थे वो एकदम, तो उस वक्त कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ चलती थी बहुत ज़्यादा गुजरात में। तो मैं ऑफिस बैठता तो मेरे पास आए वो और एक छोटी सी गन थी वो मेरे सामने रख दी ऐसे। बोला, मिस्टर चौधरी, या तो आप गुजरात छोड़ के चले जाओ, नहीं देख लेना आपके क्या होंगे। क्योंकि जब मैं गुजरात में रिसर्च करने के लिए गया कि यहाँ मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पर मैंने देखा है कि ये जो इस बिज़नेस को वो लोग चला रहे हैं जो बिज़नेस को जानते नहीं है। और मैं अपने बिज़नेस को अच्छी तरह समझता था, तो मुझे ये पक्का था कि यहाँ मैं आऊँगा, अच्छी तरह काम करूँगा तो बहुत सफलता मिलेगी। तो 3 साल में मुझे इतनी सफलता मिली। जब मैं पहले दिन वहाँ पर जाने की सोची तो वहाँ जो मैं गया तो लोगों ने बोला कि यहाँ पर आप काम मत कीजिए, क्योंकि आदिवासी लोग हैं ना, दे आर नॉट वेलकमिंग फॉर द आउटसाइडर, ये आपको डैमेज करेंगे। तो फिर मेरा एक अंग्रेज़ दोस्त होता था, तो जब कोई समस्या आती तो उसको पूछते थे। तो मैंने उसको पूछा, अभी इस एरिया में काम शुरू करें नहीं करें? तो उसने बोला कि दिस ट्राइबल आर द मोस्ट इनोसेंट पीपल, और बाहर के लोगों ने आके इनका शोषण किया है। तो अगर आप इनके साथ लव, एम्पैथी, कंपैशन से डील करेंगे, दैट वी योर बिगेस्ट लॉयल फोर्स। तो उसकी बात को मान के मैं वहाँ पर गया। अब मैं बताता हूँ वो बंदूक गन लेके क्यों आया। तो 3 साल में मेरी ये हालत हो गई थी कि जब मैं वीवरों से मिलने के लिए जाता था अनिल जी, तो उनके घर वाले बाहर खड़े होकर मेरा इंतज़ार किया करते थे। वो किसी नेता को नहीं जानते थे, उनका सबसे बड़ा नेता मैं बन गया, इतना रिस्पेक्ट दिया। तो वो उसे चिढ़ गए। एक तो धंधा फेल होने लग गया उनका और एक मेरा नाम हो गया, जबकि मैं लोकल नहीं था, वो लोकल थे सारे। तो फिर उन्होंने बोला कि मिस्टर चौधरी, या तो आप गुजरात छोड़ के चले जाओ, नहीं तो आपके क्या होंगे। लेकिन मुझे मालूम था कि ये जो एरिया ना, पीपल लव मी, मुझे मालूम था ये कुछ ज़्यादा हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि लोग मेरे को पसंद करते थे ना। फिर मैं शांत रहा और वो चला गया। और फिर 15,000 लोगों को 8 साल में काम सिखाया मैंने। क्या बात है। तो ये डर वाला सवाल मैंने जानबूझ के आपसे पूछा था। तो उसका पूछने के पीछे रीज़न ये था कि हम लोग एक प्राइवेट जॉब में हैं, कहीं ना कहीं हम सब लोगों को अगर हर दिन नहीं तो सप्ताह में शायद कुछ इंसिडेंट्स या इंस्टेंसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे डर लगता है। Right. डर लगता है कि गलती हो गई है, डांट पड़ सकती है, या बड़ी गलती हो गई है, नौकरी जा सकती है, या और बड़ी गलती हो गई है, कंपनी का बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो कभी ना कभी ये डर की फीलिंग किसी ना किसी फॉर्म में एवरीडे लाइफ में आ ही जाती है। तो ये सवाल पूछने के पीछे मेरा मकसद ये था कि जब बिज़नेस में ऐसा कोई डर आता है, कभी बंदूक की फॉर्म में आता है, कभी बिज़नेस डाउन हो रहा है उसकी फॉर्म में आता है, तो उस डर से आगे कैसे बढ़ते हैं, उस डर को फेस करके आगे कैसे बढ़ते हैं आप? देखिए, जो मुख्य रूप से जो भय का क्या कारण होता है, दो चीज़ होती है। आई फील अनवर्दी, आई एम लेस, मैं छोटा हूँ, मेरे से कोई बड़ा है, कोई मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह बात करेगा, अच्छे कपड़े पहन के आएगा, थोड़ा स्मार्ट दिखाएगा, तो मुझे लगता है कि आई एम लेस, कि मुझे अपनी वर्थ का मालूम नहीं है। और दूसरा होता है आई फील लोनली। तो भय के दो ही कारण होते हैं। एक तो मैं लोनली महसूस करता हूँ, तो हमेशा विचारों की भीड़, काम की भीड़, लोगों की भीड़ में रहना चाहूँगा मैं। और दूसरा है कि सेल्फ वर्थ का पता नहीं होना। तो मैंने भी पिछले 1.5-2 साल में काफ़ी इस चीज़ पे किया है काम। तो बस सब लोग अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाने तो डर कम लगेगा, और अपने पैशन को ही अपना काम बनाए। क्या बात है। फिर मैं आपकी बुक में आगे पढ़ा। हाँ जी। तो मुझे एक लाइन पढ़ने को मिली, और वो लाइन थी कि नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस डेवलप्स एन ईगो। तो उसके बारे में जब मैं सोचने लगा तो बहुत सारे मेरे दिमाग में आया, तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछूंगा कि आपका क्या टेक है कि ज्ञान बिना प्रैक्टिस के ईगो डेवलप करता है? देखिए, ये आज के समय की बहुत बड़ी मतलब तकलीफ है। जो भी नॉलेजेबल आदमी होगा जिसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, विजडम नहीं होगी, और ओनली ड्रिवन बाय नॉलेज होगा, ही विल बी डेफिनेटली फियरफुल। क्योंकि नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा फर्क है। इसको मैं आपको कैसे समझाऊँ, एक छोटी सी चीज़ से समझाता हूँ कि नोइंग अबाउट द लाइट एंड नोइंग द लाइट। तो नोइंग अबाउट द लाइट तो हो गया नॉलेज, एंड नोइंग द लाइट हो गई विजडम। कोई भी जो नॉलेज है उसमें अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वही सबसे बड़ा भय का कारण बनता है, और वही आदमी की ग्रोथ में सबसे बड़ी बाधा बनता है, और वहाँ पर भी आदमी राइट डिसीजन भी ले नहीं पाता। तो नॉलेज को हमेशा हाथ गंदे करके अंडरस्टैंडिंग में बदलना चाहिए, और उसके बाद में फिर वो विजडम आती है। क्योंकि जब मैंने इस काम को शुरू किया, 500 बच्चों ने ज्वाइन किया, तो बिजनेस स्टार्टेड ग्रोइंग लाइक द वाइल्ड फायर। तो मैंने पढ़े लिखे लोग रखे, तो मैंने तो हायरिंग ज़िंदगी में पहली बार की, आज तक तो वीवर ही हायर किए थे ज़िंदगी में 20-25 साल। तो फिर जब सब लोग आए तो वो बिज़नेस को सही ढंग से कर नहीं पाए, तब मुझे समझ में आया कि ये पढ़ लिख के आए हैं, दे आर नॉलेजेबल, लेकिन हमारे जो लोग हैं जो प्रोसेसेस पे काम करते हैं वो ज़्यादातर बिना पढ़े लिखे हैं, और इनको ये नहीं मालूम कि इनके पास अंडरस्टैंडिंग है, आपके पास नॉलेज है। तो दे मस्ट टेक द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दोज पीपल। ग्रेट। आप 70 साल के हैं। जब आप पैदा हुए थे टेक्नोलॉजी दूर दूर तक नहीं थी, और आपके व्यूअर्स भी टेक्नोलॉजी से इतने फ्रेंडली नहीं थे, तो टेक्नोलॉजी को ना समझते हुए बिज़नेस करना और टेक्नोलॉजी के इवोल्यूशन के साथ साथ अपने बिज़नेस में उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना और समझना, ये लर्निंग की जर्नी आपकी खुद की और आपके एम्प्लॉयज़ की कैसी रही? देखिए, जब मैंने इस धंधे को शुरू किया था तो मुख्य मेरे दिमाग में जो एक विज़न था, जो पर्पस था कि मेरे जो ये वीवर हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, उनको एंड कंज्यूमर से जोड़ना है। और हमारा जो हु वी आर स्टेटमेंट है उसमें भी यही है कि कनेक्टिंग द क्रिएटिव कैपेबिलिटी ऑफ आवर ग्रास रूट आर्टिजन टू द ग्लोबल मार्केट। तो उस वक्त तो एक ड्रीम था कि ग्लोबल मार्केट से जोड़ना है, अब कैसे जोड़ेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी आती आती चली गई, बच्चे सारे अमेरिका में पढ़ रहे थे, और जब टेक्नोलॉजी मतलब हमने बिजनेस में काम में लेनी शुरू की, ERP सिस्टम लिया, तो अब तो इतनी इजी हो गई लाइफ कि अब तो पूरी मतलब दुनिया भी आज हमारे लिए एक छोटा सा विलेज बन गई। पहले हम लोकल कम्युनिटी की बात करते थे, अब हम ग्लोबल कम्युनिटी बनाने की, मैं लिंक्डइन पे आज मैं बैठा था उनके साथ कि अब एक ग्लोबल कम्युनिटी बनानी है। फिर बेटे ने बोला कि दुबई में स्टोर शुरू किया तो दुबई में एक कम्युनिटी बनानी है, तो उसको बुलाया कि भाई दुबई में कम्युनिटी तुमको कैसे कैसे बनानी है। और फिर इतनी भारी सप्लाई चैन है जिसमें 60 प्रोसेसेज हैं, उन 60 प्रोसेस में कौन सा माल कहाँ पर है, ऑन टाइम इन्फॉर्मेशन कैसे रहे और कस्टमर को ऑन टाइम इन्फॉर्मेशन कैसे देवे। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, हमने हमारे मतलब आँख और कान खुले रखे और हम उसमें ढलते चले गए। आगे बढ़ते हैं। आपकी बुक में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग आइडिया की आपने बात करी है कि फाइंडिंग योर सेल्फ थ्रू लूजिंग योर सेल्फ, और आई थिंक आपने अभी थोड़ा ब्रीफली उस पर टच भी किया था कि बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग हायर किए लेकिन उनको समझ में नहीं आया, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं थे और उनको बहुत अच्छे से आता था वो उनसे बेटर कर पा रहे थे। तो आपने ये एक टर्म कॉइन करी थी कि फाइंडिंग योर सेल्फ थ्रू लूजिंग योर सेल्फ, तो थोड़ा बताना चाहेंगे हम लोगों को कि नई चीज़ें या इस तरह के जब भी चैलेंजेस आते हैं तो हाउ कैन वी फाइंड आवर सेल्फ बाई लूजिंग आवर सेल्फ। आज जो पूरे जो बिजनेसेस है ना, दे आर ड्रिवन बाई ब्रेन। तो जब मैंने जयपुर कंपनी को शुरू किया तो जो पढ़े लिखे लोग रखे तो उनमें जो सफलता नहीं मिली, तब मुझे समझ में आया था कि ये जो जानने का जो बहम है, एक तो नॉलेज का होना और दूसरा नॉलेज जब आ जाता है तो एक आइडेंटिटी बना लेता हूँ मैं कि मैं अपने बारे में एक ओपिनियन बना लेता हूँ। और मैं लोगों से भी ये सुनना चाहूँगा कि जो मेरी खुद की जो आइडेंटिटी मैंने बनाई है, मैं चाहूँगा कि दूसरे लोग भी उसको उस आइडेंटिटी को प्रूव करें। जब आइडेंटिटी मेरी बन गई तो आई विल बी वेरी फियरफुल। तो फिर क्या मैं अपने काम तो मेरी सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगी और आइडेंटिटी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगी। आई डोंट वांट टू लूज़ माय आइडेंटिटी। और उस आइडेंटिटी को खोने के लिए मैं इतना फियरफुल हो जाऊंगा कि मैं अपने काम को भूल जाऊंगा। तो फिर हमने कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया, फाइंडिंग योर सेल्फ थ्रू लूजिंग योर सेल्फ। अगर अपने आप को पाना है तो अपने आप को लूज करना पड़ेगा। लूज किसको? अपने नॉलेज को, अपनी आइडेंटिटी को। द मोर आई लूज माई सेल्फ, द मोर आई फाइंड माई सेल्फ। जितना मैं उसको खोऊंगा उतना ही मैं खुद निखरूंगा। अभी इस जयपुर रग जब स्टार्ट हुआ और अभी जो पोजीशन पे है, वो जर्नी हम इमेजिन नहीं कर सकते कितनी टफ रही होगी। तो इस जर्नी में व्हाट अबाउट द फैमिली, परिवार के साथ आप कैसे बैलेंस कर पाते हो? Again, you have that vision to grow more, but on the other hand, you have to take care of your family. You have to spend your time with your family. So, who are you? हाँ, ये सवाल काफ़ी, मैं जहाँ भी जाता हूँ मतलब मोस्टली 90% जगह पूछते हैं सवाल ये। हमसे अभी नहीं हो पा रहे। तो देखो, मेरा जो जिंदगी का जो सार है ना, जो मैंने जाना मतलब वो है कि बिजनेस इज द एक्सटेंशन काउंटर ऑफ योर प्राइवेट लाइफ। लाइफ कभी दो नहीं हो सकती, मतलब एक आदमी दो नहीं हो सकता। एक आदमी घर पे भी वही है, ऑफिस में भी वही है, मंदिर में भी वही है, बार भी वो है। तो एक तो इसको कभी भी अपने सेपरेट ढंग से नहीं देख सकते। और मेरे अर्थ में जैसे फैमिली का और कैसे हुआ, तो क्या है कि मैं जहाँ भी गया बच्चे हमेशा मेरे साथ रहे। फिर 500 बच्चे अमेरिका से भी पढ़ लिख के एक तरह से मेरे बिजनेस में साथ आ गए। और दूसरा तो मैं फैमिली से हमेशा जुड़ा रहा। दूसरा मेरा ये था कि देखिए, एक तो फैमिली होती है ब्लड रिलेशनशिप, और बचपन से भी मुझे मालूम था कि जो ब्लड रिलेशनशिप है ये एक तरह का परसेप्शन है, ये एक तरह का बिलीफ है। मतलब नेचर इस तरह से नहीं सोचती कि ये आपकी एक फैमिली है। तो जो रियल फैमिली है, जिन लोगों के साथ आप जो काम करते हो, जिन लोगों के साथ आपका पूरा दिन का समय जाता है, जो आपके बिजनेस पे डिपेंड है, दैट इज़ योर रियल फैमिली। अभी भी अनिल जी ने आज 4 बजे का बोला तो मैंने कहा कि 5:30 बजे हमारे व्यूवर आए हुए हैं, हरदोई से आए हैं, मतलब करीब लखनऊ के पास से। अब उनसे मैं 3 दिन हम उनको रखते हैं, बस में लाते हैं और उनके साथ 1.5 घंटा गुजारता हूँ। तो अब यहाँ जाके 5:30 से 7 बजे तक मैं उनके साथ ही रहूँगा। मतलब तो ये जो एक्सटेंडेड ये जो परिवार है उसका जो आनंद है, वो आनंद बहुत अलग है। और आप अपने 25 जब आप 25 साल के थे उस इंसान से मिल पाएँ और सिर्फ 5 मिनट के लिए मिल सकते हैं, क्या वो क्रक्स नॉलेज या क्रक्स अंडरस्टैंडिंग है जो आप उसको 5 मिनट में डिलीवर करेंगे, जिससे आपको लगता है कि जहाँ आप हैं नॉट जस्ट फाइनेंशियली इन ऑल द एस्पेक्ट शायद और बेटर जगह पे हो पाएंगे? मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा। देखिए, मैं उसको ये बताऊंगा कि तुम जो पैसे की दौड़ में हो, देखिए एक तो होता है पैसा, मनी, दूसरी होती है फेम, इज्जत, मुझे लोग दुनिया माने, मेरा नाम हो दुनिया में। तो 2 चीज़ के पीछे आदमी दौड़ता है और जब दोनों उसको मिल जाती है, जब मैं फेमस होने लगा, भाई 500 बच्चे आए, उन्होंने अच्छा बिजनेस किया, तो आई गेटिंग रिचर एंड रिचर डेली। फिर जब काम हमने अच्छा किया, जैसे अनिल जी ने पहचाना बुलाया मेरे को, तो ऐसे दुनिया में एक ब्रांड भी बढ़ता चला गया। बोला सब बोले कि भाई जयपुर तो एक ग्लोबल ब्रांड है। तो इधर तो पैसा आने लगा, उधर इज्जत आने लगी, वो भी इज्जत भी ग्लोबल, ये नहीं कि इंडिया में। जिस चीज़ के लिए मैंने पैसा कमाया, जिसके लिए मैंने इतनी इज्जत कमाई, उसमें तो कुछ मिला ही नहीं मेरे को। तो जो असली जो पैसा था, असली जो इज्जत थी, जो कमानी थी, उसका तो मुझे ज़िंदगी में पता ही नहीं चला। तो मैं उसको ये बोलूँगा कि तुम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो, उससे ऊपर भी कुछ है, तो इसके साथ उसको पाने की कोशिश तुम करना, इसी में खो मत जाना। तो आज दुनिया की जितनी भी जो बड़ी कंपनियां ना, आने वाले 15 साल में 5 कंपनी में से 3 कंपनी या तो बंद हो जाएगी, हो नहीं जाएगी मतलब बंद होने में आ चुकी है, वो द प्रोसेस चालू हो चुका है, और या वो कोई दूसरी कंपनी में मिल जाएगी। तो ये वाला क्यों होता है? क्यों कंपनी जितनी बड़ी होती जाती है, तो उसमें नॉलेज वर्कर बढ़ते जाते हैं और अंडरस्टैंडिंग उसमें इतनी कम हो जाती है, तो ग्राउंड से फ्रंट लाइन से उनका रिश्ता टूटता जाता है। तो जब मुझे अब जैसे बच्चे भी पढ़ लिख के आए, अभी हमारे जयपुर ऑफिस में कम से कम लेबर और मिला के 450 का स्टाफ हो गया, हर महीने 15 से 20 हायरिंग करते हैं। तो फिर मैंने देखा कि जितनी ज़्यादा हायरिंग बढ़ रही है, और इंक्लूडिंग ऑल माई 5 चिल्ड्रेन, ग्राउंड से तो उनका रिश्ता टूटता जा रहा है, फ्रंट लाइन से तो उनकी दूरी होती जा रही है। तो ये एक रिसर्च है कि जहाँ भी फ्रंट लाइन से दूरी होती है, वो कंपनी डेथ बेड पे आ जाती है, चाहे जितनी बड़ी कंपनी हो। ज़्यादातर कंपनियों का मरने का एक ही कारण होता है। तो मुझे भी बड़ी चिंता हुई कि इधर बिजनेस भी फैल रहा है, टर्नओवर बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, इज्जत भी बढ़ रही है, लेकिन ये चीज़ तो सर्वाइव कैसे होगी? मतलब क्योंकि नॉलेजेबल पीपल आते जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कम होती जा रही है, विजडम से दूर होते हैं। तो ये दोनों दुनिया को कैसे मिलाएं? तो अब हम क्या है कि ग्रास रूट पे ना 8 से 12 लोगों की टीम बना के ना उनको डिसीजन मेकिंग के लिए एम्पावर कर रहे हैं। मतलब उसका पूरा एक सिस्टम होता है। मतलब हमने बेस्ट माइंड को हायर किया उसके लिए, यूरोप के, अमेरिका के। कोई इससे पहले कि कोई एक सवाल पूछा, आपने अंदर बहुत अच्छी बात बोली थी कॉन्फ्रेंस रूम में, दिल और दिमाग से रिलेटेड। मैं चाहता हूं कि आप एक बार सबको वो बात फिर से बताएं कि कैसे हम दिमाग के गुलाम बनते जा रहे हैं और दिल वाला एंगल जो है वो पीछे छूटता जा रहा है। मुझे लगता है इन लोगों के लिए काफ़ी इंसाइटफुल होगा। हाँ जी। देखिए, जो नॉलेजेबल वर्कर जो होते हैं ना, वो दे आर ड्रीवन बाय द माइंड। अभी क्या है कि हर आदमी ना नॉलेज से ड्रीवन है, और नॉलेज का मतलब ही इज ड्रीवन बाय द ब्रेन, ही इज ड्रीवन बाय द माइंड। माइंड के दो काम होते हैं, माइंड या तो एनालिसिस करता है या कंपेयर करता है। और माइंड की जो समस्या है वो ये है कि जो कोई समस्या नहीं होती उसको समस्या बना देता है, छोटी समस्या को बड़ा बना देता है और बड़ी को इतना बड़ा बना देता इट नेवर कैन बी सोल्व्ड। तो व्हाट इज द आंसर? सॉल्यूशन है हार्ट के पास। आप ये देखो, नेचर है, नेचर में आप ये देखो कोई सफरिंग नहीं है। इंसान में इतनी सफरिंग क्यों है? आप किसी भी आदमी को ले लो, आज कोई मेंटली हेल्दी आदमी, मैं तो इतने इंटरव्यू लेता हूँ दिन में, मेंटल हेल्दी आदमी खोजना मुश्किल है। मतलब खोजना पड़ रहा है, इतनी सफरिंग है, इतनी सफरिंग ये कहाँ से आती है? ये सारी सफरिंग का कारण ही माइंड है। नेचर में आज कोई सफरिंग नहीं है, हायरार्की नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हार्ट है ना, सारे सॉल्यूशन हार्ट के पास है। तो माइंड इज द सर्वेंट। सर्वेंट का क्या काम है? मैं ये नहीं कहता कि आप एनालिसिस मत करो, कंपेयर मत करो, नहीं तो बिजनेस कैसे चलेगा? अगर लेफ्ट ब्रेन डेवलप नहीं होगा तो आप डिसीजंस कैसे करोगे, डाटा एनालाइज कैसे करोगे? और हार्ट इज द मास्टर। तो सुखी जीने के लिए और सक्सेस होने के लिए ना, हार्ट को अपना मास्टर बनाना पड़ेगा। तो जब अपने हार्ट से ड्रिवन होंगे, वी विल सी द थिंग्स एज इट इज़। भगवान ने इस दुनिया में जो भी बनाया, अभी एक बार जो जेलों के डीआईजी आए मेरे पास, उन्होंने बोला कि हम जेलों में कारपेट का काम शुरू करना चाहते हैं। तो मैं उनको बोला कि आप हमारे वीवर से मिलिए तब मैं शुरू करूँगा। तो मैं उनको, हमारे जो वीवर है उनसे मिलने के लिए ले गया। तो वहाँ पर उन्होंने जब वो कार में बैठ रहे थे मेरे साथ, तो मेरे को बोले कि चौधरी साहब, मुझे ये हैप्पीनेस चाहिए जेड़ों में। यहाँ जो लोग इतने खुश हैं वो ही सेम कल्चर चाहिए, वो खुशी चाहिए। तो मैंने कहा इसीलिए मैं लाया था कि इस चीज़ को आप समझोगे तो मैं शुरू करूँगा। बीविंग तो मीडियम है, वो खुशियाँ आएगी तो ही मैं शुरू करूँगी, तो मैं शुरू ही नहीं करूँगा। लेकिन इसको आप समझे, सरकार समझे इसको। नहीं तो बोले चौधरी साहब ने वीविंग शुरू कर दी तो बिजनेस शुरू हो गया। बिजनेस तो बहुत है मेरे पास, इतनी झंझट क्यों करूँगा मैं जेल में जाके? तो फिर उन्होंने बोला आप ये हैप्पीनेस कैसे लाओगे कैदियों में? तो जब मैंने शुरू किया, मुझे ये मालूम था कि भगवान ने जिस आदमी को बनाया है वो कभी गलत नहीं हो सकता। तो वो जो आदमी है, जो उसके अंदर जो कैदी है, उसने काम गलत ज़रूर किया, किसी का मर्डर किया है, किसी का रेप किया है, कुछ काम बहुत गलत किया है, लेकिन वो एक इंसान है। तो सबसे पहले मुझे उस इंसान को इंसान की नज़र से देखना है। उसने जो काम किया उसकी तो सज़ा मिल ही रही है ना उसको। तो मुझे मालूम था एक वो जो इंसान है, तो मुझे उस इंसान में एक हैप्पीनेस लाने के लिए कैसे उसका माइंडसेट चेंज करना है, वो भी तो एक इंसान है ना। और फिर हमने जेल में शुरू किया, तो आज देखो उनके कारपेट पूरे वर्ल्ड में ना, अनिल जी उनमें इतनी क्रिएटिविटी है कि दुनिया के टॉप डिज़ाइनर्स उन कारपेट को खरीदते हैं। मतलब, और कभी आप देखो, मतलब वो ऐसा डांस करते हैं वहाँ पर कि बाहर जो पुलिस वाले होते हैं वो बोलते हैं कि हमको अंदर को दे, हमारे ज़्यादा खुश हैं। तो ये मोरलिटी इज़ द प्रॉब्लम, नथिंग गुड और बैड। फिर जब ऐसे लोगों को जब लेना शुरू किया, तो अभी तो मैं मतलब एक स्टेटमेंट देने वाला हूँ कि विदिन 2 years जयपुर रग्स विल बी द फर्स्ट हार्ट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली। दैट्स वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो इसको जयपुर रग्स प्रोजेक्ट फेलियर बोलता है, ऑफिशियल टर्म प्रोजेक्ट फेलियर है। तो इनकी बेटी ने तीन वीवर्स को बोला जाओ खुद का डिज़ाइन बना के कारपेट बनाओ, रग बनाओ। उन तीनों ने आपस में काफ़ी डिसएग्रीमेंट हुए, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुए, लड़ाई झगड़ा करके दे इवेंचुअली केम अप विद देयर ओन डिज़ाइन, है ना। उस डिज़ाइन को कुछ नाम भी दिया था, प्रोजेक्ट एरर, प्रोजेक्ट नहीं, हाँ प्रोजेक्ट एरर। तो प्रोजेक्ट उस डिज़ाइन का भी कुछ नाम था, पैरेलल समथिंग, उसका भी हाँ, तो अंतर डिफरेंसेस, हाँ, और उसको मारवाड़ी बोलते हैं लड़ाई वाला डिज़ाइन, हाँ। तो मतलब डिफरेंस, लड़ाई वाला डिज़ाइन निकल के आया था और उसको नाम दिया गया था प्रोजेक्ट एरर, है ना। उसके बाद उस प्रोजेक्ट एरर को पिक करके इन्होंने एक इनिशिएटिव रन किया, उसको नाम बोला मन चाहा, मतलब जैसा आपका मन करे वैसा आप ना रग बनाओ, कारपेट बनाओ खुद। तो जितने भी वो वीवर्स थे उन्होंने जो जिसके मन में आया वो डिज़ाइन लेके वो कारपेट बनाया। और उनमें से शायद एक वीवर जो मिसेस बिमला देवी, वो शायद पढ़ी लिखी भी नहीं है, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में गई थी, उन्हें अवार्ड मिला था, जर्मन डिज़ाइन अवार्ड, गोल्ड कैटेगरी में, गोल्ड कैटेगरी का अवार्ड लेने के लिए, उस डिज़ाइन के लिए अवार्ड मिला था जो घर पे बनाती है। तो ग्रास रूट एम्पावरमेंट का एक खतरनाक स्टोरी है। एक कोई रिग्रेट है ज़िंदगी में, किसी चीज़ का दुख होता है कि ये छूट गया, पीछे नहीं छूटना चाहिए था? नहीं, रिग्रेट तो नहीं, मैं ये मैं ज़रूर सोचता हूँ कि मतलब जो एक ही जब मैं यंग था तो किसी चीज़ के पीछे जो भागा में, इज्जत के पीछे, पैसे के पीछे, हर चीज़ को बड़ा करना है, बढ़ाना है। मतलब बहुत लूमें लगाई मैंने, बहुत स्टेट में काम किया, टर्नओवर बढ़ाया, प्रॉफिट बढ़ाया, लोग बढ़ाए, उसकी जरूरत नहीं थी। सच है, लेकिन ये सच बहुत मुश्किलों से पता चलता है। नहीं, ये तो मुझे मतलब 4-5 साल पहले समझ में आने लग गया था। फिर मैंने अपने आप पे बहुत एक्सटेंसिव काम किया। मैंने वो रास्ता क्यों चुना, मतलब, और ज़्यादातर वो रास्ता क्यों चुनते हैं, और आगे वाली पीढ़ी को कैसे बचाए, इसे मतलब तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद कि जो भी हमने सुनने को मिला। उम्मीद तो यही है कि हम लोग उसमें से कुछ चीज़ें शायद अपने जीवन में अप्लाई कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ स्पेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।